राधे राधे भक्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल भक्ति विद काशी में। निर्जला एकादशी के दिन 2 मिनट निकाल करके वह कौन सी गुप्त पूजा आपको कर लेनी चाहिए, जिसके बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह आपके पास एक आखिरी मौका होगा। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। अगर तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में सदैव माँ का निवास रहता है। नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है, लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी के पत्ते को अमृत के गुणों से युक्त बताया गया है। दोस्तों, तुलसी माँ को चुंगी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा बिना चुनरी के बिना अधूरा होता है, लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें, इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। शास्त्रों में वर्णन है कि यह जो प्राचीन काल के महा उपाय हैं, इन उपायों के करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। जय जय श्री राधे।